हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड हेल्थ, यानी हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ किस किस चीजों से हमारा मतलब यह है कि हमारे बॉडी को किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है और किस तरह के अगर एक्टिविटी की जरूरत होती है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो आप लोग जानते हो, स्टार्टिंग से ही आप लोग पढ़ते आए हो साइंस में कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स में 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। किस किस चीज की होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन, मिनरल्स, है ना। तो इन सारे चीजों की जरूरत होती है। अब हम इसके बारे में यहाँ देखेंगे कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या जो है किस चीज की जरूरत होती है मेनली। तो उसमें हम क्या लेते हैं? बैलेंस डाइट, ठीक है, संतुलित आहार। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनलीनेस, यानी हमें अपने साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज, हमें प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। और नेक्स्ट है एनफ रेस्ट, यानी पर्याप्त मात्रा में हमें आराम की भी आवश्यकता होती है। फिर लास्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, है ना, यानी हमें अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाना भी होता है। तो कैसे बचाना होता है और हम कैसे बचा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। तो फर्स्ट है बैलेंस डाइट। आप लोग जानते हो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। वैसे ही फूड को हम कहते हैं। तो इसमें आता है, यानी आप जो फूड जो खाते हो तो उस थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो अभी हम न्यूट्रिएंट बता रहे हैं, फिर हम एग्जांपल बताएंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये 5 जो है ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजों की आवश्यकता होती है बैलेंस डाइट में, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ उसको ऐड करते हैं रफेज, है ना, रफेज के रूप में हम लेते हैं, और वाटर। तो अगर हम इसे नहीं भी लिखेंगे फिर भी हमारा बैलेंस डाइट कंप्लीट होता है। तो उसकी क्या आवश्यकता है, जो हम एक्स्ट्रा दो चीज यहाँ लिखे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे शरीर को, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग तोड़कर बताएंगे, ठीक है। अब क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस आप लोग को हमेशा कहा जाता है, हर एक बच्चे को या बड़ों को, कि हम लोगों को अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो साफ सफाई पे हम लोगों को क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि हम लोगों की स्किन के ऊपर बहुत सारे जर्म्स मौजूद होते हैं, तो वो सारे जर्म्स को रिमूव करने के लिए, उसे मारने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? क्लीनलीनेस की। तो ये तो हुआ कि हम अपने बॉडी को कैसे साफ रखेंगे, इसके लिए हमें प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, नहाने के बाद धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। और इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां की साफ सफाई पे ध्यान देनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस गंदगी ना होना चाहिए, जैसे कि अगर कहीं खुला हुआ नाली है तो वो उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का स्लैब डाल देना चाहिए ताकि वह ढका हुआ रहे। कचरा घर के आसपास नहीं जमा करना चाहिए, इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज में क्या होता है? प्रत्येक दिन सुबह हम लोगों को सवेरे उठकर खाली पेट क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यह क्यों जरूरी है? यह क्या करता है? हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। तो हमारे बॉडी को कैसे स्ट्रांग बनाता है? इससे हमारे बोन्स और हमारा मसल्स जो है
वो सब क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है और फ्लेक्सिबल बना रखता है, उसमें किसी भी तरह का कोई टाइटनेस या स्टिफनेस जो है उसमें नहीं रहता है। लचीला होने की वजह से हड्डियां टूट नहीं पाती है जल्दी, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर इससे हमारे मसल्स में टोनिंग आता है, क्या आता है, टोनिंग आता है। तो इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और फिर इसका और भी फायदा है, हमारे बॉडी का जो भी अपना सिस्टम है उसको भी वर्क करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग जब तेजी से चलते हो या साइकिलिंग करते हो, है ना, खेलते हो, दौड़ते हो, तो क्या होता है, आप देखते हो कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो वो ब्लड का सर्कुलेशन जो बढ़ता है उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को तेजी से पंप करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, ठीक है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एनफ रेस्ट। तो अब इसकी क्यों जरूरत है, तो हम लोगों का शरीर जो है वह क्या है, सेल से बना हुआ है। जब हम लोग उठते बैठते हैं या कोई काम करते हैं तो प्रत्येक दिन बहुत सारे सेल्स जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस सेल की मरम्मत के लिए भी रेस्ट की जरूरत होती है, बैलेंस डाइट की भी जरूरत होती है और रेस्ट की भी जरूरत होती है। जब हमारा शरीर जब रेस्ट में होता है तो क्या होता है, शरीर जो है मरम्मत के काम करना शुरू कर देता है और वह तेजी से कर पाता है। और इस समय हमारा ब्रेन भी जो है रिलैक्स हो जाता है, इस समय हमारा जो ब्रीथिंग जो है सिस्टम जो है वह भी थोड़ा स्लो वर्क करना शुरू कर देता है। तो यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, यानी हम अपने शरीर का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, बीमारियों के विरुद्ध हम अपने शरीर को कैसे तैयार करते हैं उससे लड़ने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, अपने डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, इसके बाद ये विटामिन मिनरल्स जो है ये बहुत सारे चीजों से आता है, मिल्क से आता है, फिश से आता है, वेजिटेबल से आता है, फ्रूट से आता है, है ना। और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें रफेज एंड वाटर, इसे भी पर्याप्त मात्रा में लेना होता है। साथ ही साथ हमें क्लीनलीनेस पे भी ध्यान देना होता है, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप लोग भी जानते हो विटामिन की और मिनरल्स की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो उन सारे रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, जब हमारे शरीर में इसकी कमी ना हो। और साथ साथ अगर हम अच्छे से साफ सफाई रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। आज इतना ही, फिर आगे हम